जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आप मेरा वीडियो मेरी चैनल गणित की चौपाल पर देख रहे हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मेरे आपके सारे वीडियो आपको मेरे मिलते रहे। तो दोस्तों, हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला पाठ लगातार चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने किरण आरेख के द्वारा लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना और उनकी सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। हम उससे आगे चलते हैं। आज की हमारी विषय वस्तु कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान है। अध्याय हमारा वही है, परावर्तन एवं अपवर्तन। विषय वस्तु हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो दोस्तों, जो चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए है वही लेंस के लिए। फिर भी समझ लीजिए कि आप सबसे पहले कि ज्यामिति निर्देशांक में जो ग्राफ बनाते हैं उसी से आप पूरी चिन्ह परिपाटी समझ जाते हैं। ये ज्यामिति निर्देशांक में जो आप ग्राफ बनाते हैं, इधर प्लस एक्स एक्स अक्ष होता है, इधर प्लस डायरेक्शन, इधर माइनस होती है। ये वाई अक्ष होता है जिस पर इधर प्लस डायरेक्शन होती है, इधर माइनस डायरेक्शन होती है, और बीच में होता है मूल बिंदु। इस मूल बिंदु को आप मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र लेंस का। लेंस कोई सा भी हो, उत्तल हो तो ये उत्तल लेंस मान लो यहाँ रखते हैं, तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं या लेंस से जो दूरी होती है, अगर इधर की ओर नापेंगे आप तो वो ऋणात्मक होगी, इधर की ओर नापेंगे आप तो वो धनात्मक होगी, इधर की ओर नापेंगे आप तो धनात्मक होगी, और इधर की ओर नापेंगे तो वो ऋणात्मक होगी। केवल आप ग्राफ को ध्यान रखिए दिमाग में, तो आप आसानी से चिन्ह परिपाटी को समझ जाएंगे। दोस्तों, तो चिन्ह परिपाटी बहुत सरल है। इसके बाद हमारा जो दूसरा कंटेंट है, इसमें विषय वस्तु है, वो है लेंस सूत्र। तो जैसे दर्पण सूत्र था दोस्तों, वैसे ही लेंस सूत्र है। यहाँ पर आपको लेंस सूत्र को केवल उपयोग करना है, इसकी उत्पत्ति नहीं करना है। बड़ी क्लासों में इसकी उत्पत्ति आती है। तो जो लेंस सूत्र है वो है एक बटा एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू, जहां पर एफ फोकस दूरी है जहां पर वी दोस्तों प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है और u दोस्तों वस्तु की लेंस से दूरी है। इस प्रकार से ये सूत्र है, ये लेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में केवल यहाँ पर धन और ऋण का अंतर है। दर्पण में यहाँ पर धन आता है और लेंस में यहाँ पर ऋण आता है। इस प्रकार से हम इस सूत्र का प्रयोग उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने दर्पण सूत्र का उपयोग उस दर्पण से जुड़े हुए सवालों को हल करने में किया था। इसी प्रकार हम लेंस से जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे, वहाँ पर लेंस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है लेंस की आवर्धन। अब लेंस का जो आवर्धन है दोस्तों, उसको जो अगर हम परिभाषा में जाएं तो लेंस के आवर्धन की जो परिभाषा है वो है लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं, या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का तात्पर्य यह है कि कोई लेंस, अगर हम लेंस के आवर्धन की बात करें तो दोस्तों, लेंस वस्तु का प्रतिबिंब या तो वस्तु से छोटा कर देता है या बड़ा कर देता है, विशेष परिस्थिति में बराबर भी रखता है। तो कोई भी लेंस या तो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करता है या छोटा करता है, तो वो कितना गुना बड़ा करता है या कितना गुना छोटा करता है यह हर लेंस में अलग अलग होता है, दूरी पर भी निर्भर करता है, इसलिए उसको हम लेंस की आवर्धन क्षमता कहेंगे। आवर्धन, वर्धन मतलब कितना और उसमें वृद्धि करना। तो जब हम परिभाषा में जाते हैं आवर्धन की, तो जो आवर्धन की परिभाषा है कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया है वस्तु का, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को
हम लेंस के आवर्धन कहते हैं, इसे एम से दर्शाया जाता है, मैग्नीफिकेशन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को हमने एच से लिखा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और वस्तु की लेंस से दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, उसको हम वी बटे यू से भी लिख सकते हैं। और सबको एक साथ लिखें तो दोस्तों एम बराबर हो जाएगा एच डैश अपॉन एच बराबर वी बटे यू। इस प्रकार से हम आवर्धन को परिभाषित करते हैं, इसका उपयोग भी सवालों के हल में किया जाता है। अब हमारा एक और बिंदु बचा है, वो है लेंस की क्षमता, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे कि उत्तल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है जो इसकी फोकस कहलाती है। लेकिन कुछ लेंस इसको और अधिक कोण से मोड़ करके लेंस के निकट एकत्रित करते हैं, और कुछ लेंस ऐसे होते हैं इसको थोड़ा कम कोण से मोड़कर, यहाँ पर एक बड़ा कोण बनता है, और थोड़ा दूर फोकस करते हैं। तो प्रकाश की किरण को फोकस करना उत्तल लेंस में, कितनी ज़्यादा कोणों से मोड़कर या कितना कम कोणों से मोड़कर आगे या पीछे फोकस करना, यही लेंस की क्षमता होती है। कुछ लेंस बहुत ज़्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ करके अपने निकट ही फोकस कर लेते हैं, कुछ लेंस थोड़ा कम कोण से उनको मोड़ते हैं और उनको थोड़ा सा सीधा जाने देते हैं, आगे जाने देते हैं, तो फोकस थोड़ा दूर बनता है। ये लेंस की अलग अलग लेंस की प्रकृति होती है, इसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ऐसा ही अवतल लेंस में है कि अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को जब फैलाता है तो कुछ लेंस कम कोण से यहाँ पर मुड़ता है लेकिन कुछ को ज़्यादा मोड़ देता है तो वो इधर जाती है। तो इस प्रकार की जो क्षमता है इसके कारण फोकस इसका ही बदलता है, इसके लिए यहाँ होगा, इस किरण के लिए यहाँ होगा। तो इस क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की जो क्षमता है उसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से बनेगा, लेंस की क्षमता बराबर एक बटे लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस, लेंस की क्षमता को हम पी, पावर ऑफ लेंस, पी से व्यक्त करते हैं, और फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका सूत्र बन जाता है पी बराबर एक बटा एफ। ये तो हो गया सूत्र। अब दोस्तों इसकी जो इकाई है वो कहलाती है डायोप्टर। लेंस की क्षमता की जो इकाई है वो कहलाती है डायोप्टर। इसको कैपिटल डी से हम निर्धारित करते हैं या दर्शाते हैं। और वन डायोप्टर या एक डायोप्टर का मतलब होता है कि जो लेंस की क्षमता है वो एक मीटर फोकस दूरी के लिए है, इसको कहेंगे हम एक डायोप्टर। इससे अगर हम देखें दोस्तों तो जो उत्तल लेंस की जो क्षमता आएगी वो धनात्मक आएगी, अगर आप चिन्ह परिपाटी से भी तुलना करें, और अवतल लेंस की जो क्षमता आएगी वो ऋणात्मक आएगी। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी आँखों को चेक कराते हैं, तो डॉक्टर अपने को चश्मे का नंबर देता है, उसमें धन या ऋण लगा होता है। अगर धन के साथ कोई संख्या लिखी है इसका मतलब है आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और ऋण के साथ कोई संख्या लिखी है इसका मतलब है अवतल लेंस का प्रयोग आपकी आँखों के लिए किया जा रहा है। देखने की क्षमता किस प्रकार प्रभावित हुई है दूर की या पास की, वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे, और ये लेंस किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज की जो विषय वस्तु थी वो पूर्ण होती है। हमने लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी को पढ़ा, लेंस सूत्र और आवर्धन को पढ़ा, तथा लेंस की क्षमता को पढ़ा। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित सवालों को हल करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।